हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ साथ कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट होता है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से आप लोगों को एक बहुत बढ़िया न्यूज़ देने वाला हूँ। RRB के ग्रुप डी के लेटेस्ट जो अपडेट आया है आज की डेट में, तो उसका डिटेल्स मैं यहाँ पे आप लोगों को देता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट जो आया है द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में। तो आज की डेट यहाँ पे दिया हुआ है 18 फेब्रुअरी 2019 9:59 AM, जो कि 10 AM में ये पब्लिश हुआ है। तो दोस्तों, इसका क्या डिटेल्स है, क्या क्या इसको इसमें क्या लिखा है, मैं सब कुछ डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या अपडेट यहाँ पे रिसेंटली आया है। तो दोस्तों, यहाँ पे अपडेट आया है कि RRB ग्रुप डी रिजल्ट 2019 अपडेट, हाउ टू चेक ऑन मोबाइल लिस्ट ऑफ रीजनल वेबसाइट कट ऑफ मिनिमम मार्क्स। तो दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आपका जो मोबाइल है, आप उसमें से आपका जो रिजल्ट है आप किस तरह से देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल रीजनल वेबसाइट, रिलीजन वेबसाइट का जो लिस्ट है मैं उसको भी बता दूंगा, कट ऑफ क्या होने वाला है उसको भी मैं बता दूंगा, और मिनिमम मार्क्स भी क्या है मैं उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। तो दोस्तों, एक एक करके मैं सबको आंसर यहाँ पे दे दूंगा। पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि द कट ऑफ मार्क्स कट ऑफ इज एक्सपेक्टेड टू बी हाई एज नियरली 1.8 करोड़ कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर ओवर 62,000 वैकेंसी, ऑल्सो चेक द पे स्केल एंड वेबसाइट टू फॉलो। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे क्या डिटेल्स आया है उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे RRB के ग्रुप डी रिजल्ट 2018-2019 में द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और RRB ऑफिशियल हैज़ इन्फॉर्म दैट इंडियन एक्सप्रेस टू एक्सप्रेस डॉट कॉम दैट द रिजल्ट और ग्रुप डी लेवल 1 विल बी अनाउंस बाय द February 17। तो दोस्तों, यहाँ पे फिर से एक लेटेस्ट जो कि न्यूज़ आया है 17 फेब्रुअरी 2019 में आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। तो दोस्तों, आप मैं इसके पहले मैं एक वीडियो जो कि दे चुका हूँ, कल वो वीडियो पब्लिश हुआ था जिसमें मैं बोला था कि कल की डेट जो कि 11 PM में आपका जो लेटेस्ट रिजल्ट है वो आ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हर दिन एक लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, तो जिसके लिए आप लोगों को बहुत ध्यान देना होगा कि किस डेट में यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली कोई सियोरिटी के लिए बाद यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि इस डेट में आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे उस तरह की कुछ भी बात यहाँ पे नहीं लिख रहा है, ये जस्ट एक एक्सपेक्टेड डेट दिया गया है जिसमें आ सकता है आपका रिजल्ट। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बोला है कि हाउएवर द रिजल्ट फॉर द रिटन एग्जाम हैज़ नॉट बीन रिलीज येट, द ऑफिशियल हैज अपडेट द रिजल्ट रिलीज न्यूज़ विल बी इंटीमेटेड टुडे ऑन द रीजनल वेबसाइट। तो दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि द रीजनल वेबसाइट में आज ऑफिशियली बता देंगे कि किस डेट में आपका जो रिजल्ट है वो रिलीज होने वाला है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ बोला है कि अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा ओवर 1.8 करोड़ कैंडिडेट अपियर फॉर द एग्जाम कंडक्ट टू फिल 62,907 पोस्ट अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट द कट ऑफ फॉर द रिटन एग्जाम इन एक्सपेक्टेड टू बी हाई। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली बोला दिया गया एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग द कट ऑफ मार्क्स जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट जो कि यहाँ पे अप्लाई किए थे और एग्जाम भी दिए थे, इसके लिए यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। द अनरिजर्व कैटेगोरी कैंडिडेट कैन एक्सपेक्ट टू बी अराउंड 65 to 75 होल फॉर द रिजर्व कैटेगोरी एंड कैंडिडेट टू द कट ऑफ इज लाइकली ओवर द 60। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगोरी के लिए उन लोगों के लिए 65 to 70 तक यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स होने वाला है। उसके बाद दोस्तों, क्या बोला गया, द RRB विल बी रिलीज नियरली 2 लाख वैकेंसी अंडर वेरियस कैटेगोरीज दिस ईयर, द रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज़ रिसेंटली अनाउंस दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया एक न्यूज़ जो आया गया है, 2.5 लाख की वैकेंसी और एक यहाँ पे निकलवा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल यहाँ पे रिसेंटली अनाउंस कर दिया गया, फिर से एक बहुत बढ़िया वैकेंसी आने वाला है जिसके लिए आप लोग सभी तैयार हो जाए। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो, यहाँ पे इसका डिटेल यहाँ पे बोला गया है। अगर आप लोगों को पसंद आया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस तरह की और भी कुछ अगर अपडेट आता है मैं उसका भी वीडियो बना के आप लोगों के सामने ले आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड।